भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भगवान पर विश्वास करने लग जाओगे। दोस्तों, एक बार जम्मू कश्मीर में आर्मी के जवानों के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी भगवान पर भरोसा करने लगेंगे। तब सेना के 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाई पर बने आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। ये रास्ता बेहद लंबा और कठिन था। मौसम विज्ञान की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि आने वाले समय में भयंकर बर्फबारी होने वाली है। इस बात को जानने के बावजूद हमारी सेना के जवान डरे नहीं और कर्तव्यों का पालन करने के लिए निकल पड़े। अगले 3 महीनों तक उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। सर्दी का मौसम था और लगातार कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान ने उन्हें परेशान कर दिया था। एक दिन बीत चुका था और आर्मी के जवान बिना रुके चलते ही जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था ठंड बढ़ती जा रही थी। जब आर्मी के जवान थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे तो बर्फ गिरनी भी शुरू हो गई थी। बर्फ गिरने की वजह से जवानों की हालत और खराब होती जा रही थी। उनके लिए इस बर्फीले रास्तों पर चलना और भी कठिन हो गया था। सफर के बीच में दोस्तों मेजर के मन में ये ख्याल आया कि काश एक कप चाय मिल जाती तो कितना मजा आ जाता, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि देर रात का समय हो रहा था और कौन ही इतनी ठंड में दुकान खोलेगा। काफी समय तक चलने के बाद जवान काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मेजर से कहा, सर क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? तभी मेजर को दूर से एक दुकान नजर आई। ये दुकान काफी सुनसान जगह पर बनी हुई थी। मेजर ने कहा, चलो वहाँ शायद हमें चाय मिल जाएगी, वहीं पर थोड़ा विश्राम करते हैं। चाय की टपरी देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जवान खुशी के मारे ऐसे दुकान की तरफ भागे जैसे उनकी दिन भर की थकान एक पल में खत्म हो गई हो। मेजर भी जवानों की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। जैसे ही सभी जवान चाय की टपरी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुकान बंद थी। दुकान पर ताला लगा हुआ था। दुकान पर ताला देखकर सबके मुस्कुराते हुए चेहरे मायूसी में बदल गए। सब वहीं निराश होकर दुकान के बाहर ही बैठ गए। तब मेजर ने जवानों से कहा, ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है, कुछ ही समय में हम आर्मी पोस्ट पहुंच जाएंगे, वहां आप सभी जी भर के चाय पिएगा। लेकिन मेजर की बात अब जवानों को कहां ही समझ आने वाली थी। तभी उनमें से एक जवान ने मेजर से कहा, सर क्या हम ताला तोड़ दें? दुकान का मालिक यहां नहीं है और पता नहीं वो कभी इस दुकान में आता भी होगा या नहीं। हमें यहाँ कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ये सुनकर मेजर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करना उचित रहेगा, लेकिन जवानों का मायूस चेहरा देखकर मेजर मान गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी चाय पीने की चाहत थी। मेजर के हाँ बोलते ही जवान खुशी से झूम उठे और जय बजरंगबली बोलते हुए दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में घुसते हुए जवान सभी बर्तनों में झांकने लगे। तभी उन्होंने देखा कि दुकान में चाय बनाने का हर सामान मौजूद था और साथ में बिस्किट्स के कुछ पैकेट भी। ये देखकर मेजर समझ गए थे कि दुकान का मालिक यहाँ आता है, लेकिन जवानों को इन सब से मतलब नहीं था क्योंकि वो सभी भूखे और थके हारे बस चाय ही चाहते थे। अब जवानों ने चाय बनाई और दुकान में ही थोड़ा विश्राम करने के बाद चाय के बर्तन भी धोए। इसके बाद वह फिर से अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। अभी कुछ कदम चले ही थे कि मेजर के मन में ये ख्याल आया कि हमने दुकानदार का सामान खाया है और उसका ताला भी तोड़ दिया है, अगर हम ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे तो ये गलत होगा। मेजर तभी वापस मुड़े और भागते हुए फिर से दुकान में घुस गए। उन्होंने फौरन अपने जेब से 1000 की नोट निकाली और दुकान के चारों तरफ देखने लगे। तभी उन्हें काउंटर पर एक डिब्बा नजर आया और मेजर ने 1000 का नोट उसी डिब्बे के नीचे दबा कर रख दी ताकि दुकानदार जब आए तो उसे आसानी से पैसे मिल जाए। जवानों ने मेजर से सवाल किया कि आप दुकान में वापस क्यों गए थे, क्या आपका कोई सामान छूट गया था? तो उन्होंने कहा कि दुकानदार का इतना सामान हमने प्रयोग कर लिया है, अगर वो यहाँ होता तो हमें मुफ्त में ये सब नहीं देता, इसलिए मैंने उसके लिए पैसे छोड़ दिए हैं। मेजर की बात सुनकर जवान काफी खुश हुए और आगे बढ़े। पूरे दिन चलने के बाद जवान आखिर हिमालय की ऊंचाई पर बने आर्मी पोस्ट पर पहुंच गए। 3 महीने आर्मी पोस्ट पर रहने के बाद अब जवानों की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई थी, इसलिए आर्मी वापस हिमालय की ऊंची चोटी से नीचे की तरफ जा रहे थे। जब आर्मी के जवान वापस नीचे उतर रहे थे तो उन्हें रास्ते में फिर से वही चाय की टपरी मिली जिसका ताला उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन इस बार दुकान खुली हुई थी। जवान भागते हुए एक साथ दुकान में घुस गए। उन्होंने देखा कि ये दुकान एक बुजुर्ग आदमी चला रहा था। उसने एक साथ कभी अपने दुकान में इतने ग्राहकों को नहीं देखा था, इसलिए जवानों को देखकर वह काफी खुश हो गया। उसने सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और सबको बांटी। तभी मेजर बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने लगे और उनसे पूछा, बाबा आप कब से ही दुकान चला रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? मेजर की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, साहेब मैं मेरे बेटे के साथ यहाँ काम करता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे बेटे को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी, वह अस्पताल में भर्ती था, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ पा रहा था।
उस समय मेरे बेटे की हालत बहुत नाजुक थी। वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, इसलिए मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। मैं उसे अस्पताल से घर तो ले आया, लेकिन मेरे पास उसे दवाई खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने बहुत लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। तब मैंने सोचा कि अब दुकान जाकर ही थोड़ी कमाई करनी पड़ेगी। जब मैं दुकान पर आया तो मैंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। ये देखकर मैं तो सर पकड़कर ही बैठ गया था। मुझे लगा कि बस ये दुकान ही अब मेरा सहारा थी और कोई उसे भी लूटकर चला गया है। मैं जब दुकान के अंदर आया तो मैंने देखा कि दुकान में दूध की थैलियां और बिस्कुट के पैकेट गायब थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चाय बनाई है और बर्तन भी धोकर गया है। जब मैंने काउंटर पर देखा तो वहां डब्बे के नीचे 1000 का नोट पड़ा था। मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो गया, क्योंकि भगवान ने मेरी सहायता की थी। भगवान ने मेरे कठिन समय में मेरे बेटे की जान बचा ली, और वो पैसे नहीं होते तो आज मेरा बेटा जीवित नहीं होता। भगवान सबकी सहायता करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर मेजर मुस्कुराए और बोले, हाँ बाबा, भगवान सबकी मदद करते हैं, उन्होंने हमारी भी सहायता की है। ये कहकर मेजर और सभी जवान दुकानदार को चाय के पैसे देकर निकल पड़े। मेजर ने दुकानदार को सच नहीं बताया कि उनकी दुकान का ताला उन्होंने ही तोड़ा था और पैसे भी उन्होंने ही रखे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था नहीं तोड़ना चाहते थे। मेजर खुद भी यह मानते थे कि उस रात भगवान ने ही जवानों की चाय की चाहत पूरी की थी, क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहते तो उन्हें इस बुजुर्ग व्यक्ति की चाय की दुकान नहीं दिखती। भगवान की कृपा की वजह से ही जवानों को दुकान में खाने की चीजें भी मिली। दोस्तों, आपका इस कहानी के विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।